हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज मेरे हिबिस्कस पे बहुत ही प्यारी ब्लूम आई थी, सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसे शेयर कर लूँ। देख सकते हैं सारे ही जो फ्लावर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्लूम पर हैं। ये मेरा प्यारा सा येलो हिबिस्कस देखिए आप। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने विंटर प्रिपरेशन की बहुत सारी तैयारियाँ कर रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी इन्हें थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करते ही जाती हूँ। जितने भी स्पेंट फ्लावर्स होते हैं आप इस तरीके से इन्हें तोड़ लिया करें। देखिए कितने ही प्यारे फ्लावर्स जो हैं ये मेरे गार्डन में अभी ब्लूम हुए हैं। रोज़ इतने इतने फ्लावर्स जो हैं वो मेरे यहाँ पे निकलते ही निकलते हैं। तो देख सकते हैं आप कितने ही सुंदर दिख रहे हैं सारे। तो मैं आप लोगों को फटाफट फटाफट दिखा देती हूँ कि अभी मैं अपने गार्डन में क्या करने वाली हूँ। देखिए पेंटास का आप मैं हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, पेंटास में भी बहुत ही प्यारी ब्लूम आई हुई है। और अब मैं ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये पूरा मैं अभी चेंज करने वाली हूँ, आज मैं अपना पूरा काम करने वाली हूँ। और ये देख सकते हैं आप, इनमें भी बहुत ही प्यारी सी जो है वो ब्लूमिंग जो है वो चल रही है। मेरे सारे ही ये जो प्लांट्स हैं ये इस तरीके से सब रखे हुए हैं। कोलियस देख सकते हैं आप, और दुरांता की भी जो ग्रोथ है वो बहुत ही प्यारी चल रही है। और मैंने ये एज अ हैच जो है अपने ये पूरे मैं कोलियस जो है वो तैयार कर रही हूँ। यहाँ पे ऊपर मेरी आप देख सकते हैं सारी ही जो ये शेवंती की मिनिएचर वेराइटी है इसके प्लांट्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे जितने ही ये सदाबहार के पौधे थे इनके लिए मुझे पॉट्स खाली करने थे, तो मैंने पॉट्स खाली करके इस तरीके से अभी इसे इस तरीके से आप देख सकते हैं पॉलीथीन में भर के रख दिया, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं तो बहुत आसानी से ये पॉलीथिनस में भी चल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपने ये सारे प्लांट्स रखे हुए हैं, अभी इनमें ब्लूमिंग बरकरार है। तो अब मैं जल्द ही इन सबको भी हटाने वाली हूँ। ये ऊपर वाली लाइन मेरी पूरी ही लेंटाना की रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप इतने प्यारे ब्लूम कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे इन सबको हटाना होगा क्योंकि अब इनका जो टाइम है वो ब्लूमिंग का वो ख़त्म हो गया। मुझे सारे कंटेनर्स भी खाली करने हैं। ये देखिए आप, मैंने जैसा कि देख सकते हैं मेरे सारे ही हैंगिंग प्लांटर्स अब धूप के कारण ये सारे पीले होने लगेंगे, और अब इनके डोरमेंसी का भी टाइम आने वाला है। तो इन सबको मैं अब ग्राउंड फ्लोर पे शिफ्ट करने वाली हूँ, और यहाँ पे सारे फ्लावरिंग प्लांट्स के हैंगिंग प्लांटर्स मैं रेडी करने वाली हूँ। और ये सारे ही जो प्लांट्स थे ये मेरे सारे ही अपने इनडोर प्लांट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रखने वाले हैं। तो इन सबको मैं आज ग्राउंड फ्लोर पर शिफ्ट कर देने वाली हूँ, जिससे कि मेरा जो ये स्टैंड है ये खाली हो जाए और यहाँ पर फिर मैं अपने विंटर के जो प्लांट्स हैं उनकी तैयारी स्टार्ट कर सकूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ पे भी मेरे छोटे छोटे सारे सैपलिंग्स सेवंती के रखे हुए हैं। और ये देखिए मैंने इनकी कटिंग करी थी, ये जो प्लांट था ये बहुत ही ज़्यादा लैंकी से बड़े से हो रहे थे, तो मैंने यहाँ से इसकी कटिंग कर दी थी और इनको मैंने इसी में ही लगा दिया है। और इसकी में भी इस कटिंग की भी मैं आप लोगों के साथ जो अपडेट होगी वो शेयर करूँगी। बहुत ईजीली ये प्लांट्स जो हैं वो प्रोपोगेट हो जाते हैं। ये देखिए इनको भी मैंने इस तरीके से यहीं पर ही नीचे इन्हीं मिट्टी में लगा दिया था, तो बहुत ईजीली प्रोपोगेट होने वाले ये प्लांट्स होते हैं। और आप ये देखिए, ये फाइकस के ऊपर अगर आपको बुशी बनाना है तो मेरा तो यही काम रहता है कि जैसे ही इसके ऊपर थोड़ी सी लीव्स आती हैं तो मैं आते जाते इसको इस तरीके से पिंच करती रहती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं एक ही जगह से कितनी सारी ब्रांचेस इसमें आ जाती हैं, और ये जो प्लांट है ये बहुत ही ज़्यादा बुशी सा अपना होने लगता है। तो आप भी आपके प्लांट्स पर ऐसे ही कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से मैंने इनकी पिंचिंग यहाँ से करना स्टार्ट करी थी, तो आप देखिए कितनी सारी ब्रांचेज इस पर डेवलप हो गई हैं। देख सकते हैं मेरे हैंगिंग जो हैं वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अब ये सारे मैं ग्राउंड फ्लोर पे अपने शिफ्ट करने वाली हूँ। और ये जो है ये वाला, इस पर मैं अपने अब सारे ही विंटर के जो प्लांट्स हैं वो मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँगी। ये आप देख सकते हैं अभी इसमें भी बहुत सारी कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, नाइट क्वीन में बहुत अच्छी कलियाँ आने वाली हैं। और ये मेरे लास्ट ईयर वाले मदर प्लांट हैं क्रिसेंथेमम के, देख सकते हैं आप। ये मेरे कुछ वाटर लिलीज हैं, लिलीज हैं जो बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम हो रहे हैं। इसके बहुत सारे प्लांट्स हैं आगे भी, वहाँ पे उधर टब रखे हुए हैं मैंने, लेकिन वो अब मैं सारे ही खाली करने वाली हूँ इनको थोड़े दिनों के बाद, और इनको एक इसमें सबको एक ही इसमें कैसे सेव करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप ये मेरा बिगोनिया का प्लांट देखिए कितना ही प्यारा दिख रहा है, और इसकी ब्लूम आप देखिए, इसके फ्लावर्स ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लावर्स हों। ये देखिए बहुत ही सुंदर प्लांट है ये,
इसकी भी मैंने देखी है, आप ऐसे ही करते जाया करिए, इसकी भी मैंने कटिंग्स ले लेके इस तरीके से अपने पॉट में लगा दी है। तो ये आपका एक प्लांट से जो है 3-4 प्लांट बन जाते हैं। कोई भी हमारे घर में अगर अच्छा प्लांट है तो हमको उसकी कटिंग्स लेते ही रहना चाहिए, क्योंकि प्लांट का कोई भरोसा नहीं होता कब क्या कभी प्लांट खराब हो जाए तो हमारे पास उसके लिए हमारे पास उसको सब्स्टिट्यूट रहने चाहिए। ये देखिए मेरे, देख सकते हैं आप, ये सारे ही मेरे शेवंती के प्लांट्स हैं जो मैंने ट्रांसप्लांट कर लिए हैं, और साथ साथ मैंने इनकी पिंचिंग भी स्टार्ट कर दी है, जिसके कारण इस पे अब नई न्यू न्यू शूट्स आ रही हैं। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे पूरे पॉट रेडी हो गए हैं। अब मैं इन सारे ही पॉट्स को, ये वाली जो मेरी विंटर की जो मेरी स्टैंड है इसको खाली करूँगी, और इस पे और उसके साइड वाले स्टैंड पे मैं आज इन सबको शिफ्ट करने वाली हूँ। और अब इनको मैं थोड़ा थोड़ा धूप में और मैं रखना स्टार्ट करने वाली हूँ। मम की कुछ प्लांट्स जो मैंने अभी ट्रांसप्लांट नहीं किए हैं, ये मुझे आज ट्रांसप्लांट करने हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं फ्रेंड्स। सारे ही जो मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट है जो मेरी रेडी हो चुकी है, इन सब से आज मैं पॉटिंग मिक्स तैयार करने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं, सारे ही मेरी किचन वेस्ट जो है ये पूरी तरीके से रेडी है। और ये देखिए आप, मैंने ये सारे ही ग्रो बैग्स बनवाए हैं कुछ इस तरीके से, अलग अलग साइज़ में मैंने ग्रो बैग्स तैयार करवाए हैं, जिनका मैं आप लोगों के साथ अलग से वीडियो एक बार ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए, मैंने अपने सारे ही जो प्लांट्स हैं वो अपने इन ग्रो बैग्स में लगा दिए हैं, और मैं ये जो मेरा कोलियस है इसकी मैं सारे ही प्लांट्स ढेर सारे तैयार करने वाली हूँ। ये कॉक्सकॉम जो मेरे सीड से जर्मिनेट हुए हैं, इनको भी मैं अब एक अलग पॉट देने वाली हूँ, कितने ही सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए आप, इस तरीके से मैंने सबको पॉट में लगा दिया है, और इन पे भी अब फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, ये मैंने कटिंग्स ही लगा के रखी हैं सारी, और मेरी कटिंग्स अब बहुत अच्छी चल गई हैं। ये आप देखिए, सारी कटिंग्स जो हैं ये बहुत अच्छी तरीके से, ये पॉन्सेटिया की आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से चल गई हैं। और ये सारे ही प्लांट्स जो है मैंने ये नए तैयार करे हैं अभी, और ये सारे जो मेरे पुराने निकले हैं ये सारे मैं, ये आप देख सकते हैं, मैंने इसमें सारे ही अपनी ये कायरोप्सिस की और पॉन्सेटिया और मैरीगोल्ड की कटिंग्स ऐसे ही लगा दी थी, और सब बहुत अच्छे से लग गई हैं। अभी मैरीगोल्ड की भी मैं कटिंग्स में भी पिंचिंग साथ साथ करते जाऊंगी, जिससे कि इसमें न्यू न्यू शूट्स और भी ज़्यादा डेवलप होते जाएंगी, और ये सारी ही कटिंग्स मेरी बहुत अच्छे से चल गई हैं। और यहाँ पर देखिए, इसमें भी प्लांट के नीचे जो छोटी 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 कटिंग्स लगा देती हूँ मैं, और ये कलेंकोई की कटिंग्स है मेरी सारी, बहुत सारे ये विंटर्स में बहुत अच्छी ब्लूम देते हैं मेरी। ये आप मेरी किचन वेस्ट कंपोस्ट देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी तरीके से मेरी बन के तैयार हो गई है, और मैंने बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मेरी रेगुलर बेसिस पे कंपोस्ट जो है वो बनती ही रहती है। तो मैंने इन्हें धूप में रखा है, अभी 10-15 मिनट मैं इनको धूप दिखा दूंगी, उसके बाद मैं इन्हें पैकेट्स में रख देने वाली हूँ जो मेरे पूरे विंटर में मुझे काम आने वाले हैं। और ये वाली जो मेरी कंपोस्ट है, ये मेरी अभी हाफ डिकम्पोज हुई है, तो मैंने इनको एयरेशन के लिए अच्छे से निकाल लिया है एक बार, और बहुत अच्छी तरीके से मैं इन्हें मिक्स करके फिर से इन्हीं कंपोस्ट बिन में मैं इनको भर देने वाली हूँ, जिससे कि ये 10 से 15 दिन में मेरी ये वाली कंपोस्ट भी बनके रेडी हो जाएगी। तो विंटर्स के लिए हमें बहुत सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, और ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये एज़ यूजुअल बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से ब्लूम कर रहा है। मेरे एलमेंडा, मेरे क्लिमिटिस, मेरे मुसांडा, चित्रक, टिकोमा, सारे ही जो प्लांट्स हैं ये मेरे थ्रू आउट द सीज़न बहुत ही प्यारी ब्लूम मुझे देते हुए आए हैं, और अभी भी बहुत अच्छी ब्लूम दे रहे हैं। और ये जो मेरे गलाडिया के प्लांट हैं, इनके मुझे पॉट्स खाली करने थे विंटर के लिए, तो मैंने इन सबको निकाल के एक ही पॉट में लगा दिया है। आप देख सकते हैं, ये मेरे 5 से 6 प्लांट्स हैं जो मैंने एक ही पॉट में लगा दिए हैं, और अभी बहुत अच्छी ब्लूम दे रहे हैं। मैं जब इन्हें चाहूँगी तो इन्हें सेपरेट भी कर सकती हूँ, और अभी एक ही इसमें बहुत अच्छी ब्लूम दे रहे हैं। और ये जो मेरे विंका के प्लांट्स हैं, ये भी मेरे को खाली चाहिए थे पॉट्स, तो इन सबको भी मैंने एक ही पॉलीथिन में लगा दिया है, फिर भी ये बढ़िया ब्लूम कर रहे हैं। और अभी इस टाइम पर मेरा गार्डन इतना सुंदर दिखता है फ्रेंड्स, पूरा ही फ्लावर से भरा हुआ है। और ये जो मेरा सेंटर पॉइंट है, इसके लिए मुझे कई लोगों ने पूछा था कि ये जो बेबी टीयर्स हैं और टर्टल वाइन है, ये आपने काय में लगाए, तो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े टब में इनको लगा रखा है, और इनको अपने पॉट्स के ऊपर अरेंज किया हुआ है। और जो कुछ प्लांट्स जो है मेरे, वो मैंने हमारे पे जो मिल्क क्रेट्स आते हैं उनमें रखा हुआ है, उनमें लगा दिए। और ये जो अब टर्टल वाइन है, इन पे अब फ्लावरिंग का टाइम स्टार्ट हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा समय तक हमारे गार्डन में नहीं रहेंगे, लेकिन जब तक ये थे इन्होंने मेरे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी एनहेंस करी है। पूरा जो मेरा सेंटर पॉइंट है ये पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ ही रहता था, अब विंटर्स में ये सारा फ्लावरिंग से भर जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरा आज का वीडियो
वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा।